हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये बटरफ्लाई वेस्ट बेल्ट अबाया की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये अबाया बनाना है तो प्लीज़ वीडियो को पहले समझ के देखें, बाद में आप इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट करें, ताकि आप अबाया बनाने में कोई भी गलती मिस्टेक ना करें। ये अबाया सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं या बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आगे आपको वीडियो में आइडिया देती जाऊँगी कि आपको कहाँ पर बढ़ाना है या कहाँ पर कम करना है। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड ये अबाया बनाने में मैंने कितना और कौन सा फैब्रिक लिया है वो भी आगे मैं डिटेल में बताऊँगी, तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग कमेंट ना करें कि आपने कितना फैब्रिक लिया है, कौन सा फैब्रिक लिया है। तो चलिए मटेरियल देख लेते हैं इसका। ये अबाया बनाने के लिए मैंने 4 मीटर बबल साटन फैब्रिक लिया है। इसको बनाने के लिए आप फैब्रिक कोई सा भी ले सकते हैं, बट ध्यान रहे फैब्रिक थोड़ा सा थिक यानी मोटा होना चाहिए। और इसका जो साइज़ है, यानी मैंने 4 मीटर लिया है, तो आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको कितना फैब्रिक लेना होगा। तो कम से कम 3.5 या फिर 4 मीटर आपको ले लेना है। तो अब मैं आपको अपने फैब्रिक की डायमेंशन दिखा देती हूँ। ये अरज़ वाली साइड है जहाँ से धागे निकलते हैं, तो इसका जो अरज़ है वो पूरा लगभग इंच टेप ही है। मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 57 इंच है, तो कम से कम 55 से 60 इंच आपको अरज़ ले लेना है। इसके बाद हमने अपने अबाया की लेंथ लेनी है, तो जितना भी हमें अबाया की लेंथ लेनी होगी उसका डबल करके हम फैब्रिक ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक की जो लेंथ है वो 54 इंच ली है। 52 इंच के अराउंड, यानी 52 इंच के अराउंड ये अबाया की लेंथ रेडी हो जाएगी। तो यहाँ से आप अबाया की लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कपड़े को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया, इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 22.5 इंच ली है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो आप इसे 20 इंच भी ले सकते हैं, और एक्सल, डबल एक्सल या फिर मीडियम साइज़, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं 20, 25, 28 या 30 इंच ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 22 इंच का राउंड ले लिया है। और ये आगे से जो फैब्रिक बचा है अरज़ में से, इसको हम साइड में रख देंगे, ये हमारा आगे यूज़ होगा अबाया बनाने में। तो ये रही हमारी लेंथ अबाया की। इसके बाद देखिए, यहाँ से फोल्ड है और ये ओपन साइड है। अब जहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से हम अपनी स्लीव की ओपनिंग का मार्क करेंगे। तो हमें कफ की गोलाई जितनी भी चाहिए उसमें 1 इंच करके प्लस करके मार्क कर लेंगे। तो मैं 5 इंच पर कफ की फिटिंग लगाऊंगी, तो 6 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमने कुछ इस तरह से मार्क करना है और नीचे ले जाकर मिला देना है। नीचे किनारे पर मिला देंगे इस तरह से। मार्क करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ से जो गहराई है वो लगभग 5 इंच ली है इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ये कट करने के बाद ऊपर से जो हमारा फोल्ड था, ये भी हम कट करके 2 में डिवाइड कर देंगे। और कट करने के बाद हम इसका जो बैक वाला पार्ट है वो इसमें से निकाल देंगे, और बैक वाले पार्ट को अब साइड में रखेंगे। एंड ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, अबाया की डिज़ाइनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप प्लीज़ यहाँ से ध्यान से देखें। तो ये हमारा योक पार्ट है, यानी सेंटर का जो पार्ट है, इसकी चौड़ाई मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। अगर आप स्लिम हैं तो आप इसकी चौड़ाई 3.5 इंच भी ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा हैवी हैं तो आप इसकी चौड़ाई 5.5 से 6 इंच भी ले सकते हैं। मैं 40 बस्ट के लिए बना रही हूँ, तो मैंने 4.5 इंच लिया है। इसके बाद योक पार्ट की जो लेंथ है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। तो हमारा जो शोल्डर से वेस्ट की लेंथ है उससे हम 1 इंच कम करके लेंगे। मेरा योक लेंथ होता है 16 इंच, तो मैंने 15 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि 1 इंच हमारा योक में सिल जाएगा, बट यहाँ पर हमारा 2 इंच की बेल्ट आ जाएगी। टोटल हमारा जो योक लेंथ है वो 16 इंच पर आ जाएगी, यानी कमर की लंबाई 16 इंच पर चाहिए मुझे। इसके बाद यहाँ से भी मैं 4.5 इंच पर मार्क करूँगी, और अब ये मार्क हम नीचे तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर करते जाएंगे। इसके बाद हमने इस मार्क को ऊपर शोल्डर पर, यानी जो हमारे नेक लाइन है, वहाँ लाकर डायरेक्ट इंच टेप रख के मिला देना है। इसकी चौड़ाई हमें साइज़ के हिसाब से 0.5 से 1 इंच हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा स्लिम है तो आप 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 5 इंच, और
6 इंच भी ले सकते हैं। तो बस आप आइडिया लगा लीजिए मेरे मेजरमेंट के हिसाब से। अब इसको कट कर लेंगे जितनी भी हमने मार्किंग की थी, और जो हमारा योक लेंथ है इसको भी कट कर लेंगे। सो गाइज, योक लेंथ मैंने 15 इंच ली है। अब योक पार्ट को भी हम सेंटर से कट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें प्लेकेट बनाना है तो इसको दो में कट करके डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा योक। और इसके बाद देखिए, जो नीचे का जो फैब्रिक बचा है इसमें से आप बेल्ट बना सकते हैं, कफ़ बना सकते हैं, यानी कफ़ की जितनी भी लेंथ चाहिए उसके हिसाब से। और अब हमने ये सेंटर का जो हमारा प्लेट्स वाला पार्ट है वो लगाना है। सो ये वाला वही फैब्रिक है जो हमने स्टार्टिंग में चौड़ाई में से कट किया था। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं है तो इसमें जॉइंट लगाकर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से प्लेट्स डालकर। सो पहले लेंथ में हमने जॉइंट डालना होगा इस तरह से, और इसके बाद हम इसको अपनी योक से प्लेट्स के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। बट यहाँ पर मेरे पास अलग फैब्रिक है, सो मैं जॉइंट वाला फैब्रिक यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने लगभग 1 मीटर के अराउंड अलग फैब्रिक रखा था, सो वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। ये इसकी लेंथ और विड्थ मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 20 इंच ली है, आप इसकी चौड़ाई को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो हम ये सेंटर की लेंथ जितनी भी है उससे 2 इंच कम करके लेंगे, क्योंकि 2 इंच की हमारी बेल्ट आ जाएगी। सो अभी फ़िलहाल मैंने ये 39 इंच के अराउंड की लेंथ ली है, बाद में मैं जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो कट कर दूंगी। सो इन दोनों के बीच में जो 2 इंच की बेल्ट आएगी उससे हमारा जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा निकल जाएगा। और ये जो पीस है यहाँ पर प्लेट्स के साथ अटैच होगा कुछ इस तरह से। सो गाइज़, ये इतना हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब हम ये वाला पार्ट हटा देंगे, ये साइड के जो 2 पैनल हैं, और अब हमने अपना योक रेडी करना है प्लेकेट के साथ। तो प्लेकेट बनाने के लिए हम अलग से फैब्रिक लेंगे। फ़िलहाल मैं दोबारा से आपको योक की लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। योक की जो चौड़ाई है वो हमने 4.5 इंच ली है दोनों पीस की, और जो योक की लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। इसके बाद प्लेकेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं। इनकी चौड़ाई मैंने लगभग 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 15 इंच ली है। अब इन दोनों पीस को हमने अपने योक पार्ट के नीचे रखकर इस तरह से 1/2 इंच की सिलाई लेकर सिल देना है। सो इस तरह से सिलने के बाद अब हमारा जो प्लेकेट वाला पीस है उसको हम योक की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे 1/2 इंच का दबाव लेकर। और प्लेकेट की जो चौड़ाई है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर करके किनारे पर सिलाई लगा देंगे। सो दोनों प्लेकेट को हमने इसी तरह से बनाना है। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल सी सीधी सी सिलाई है। इसके बाद हमने इसका नेक कट करना है, क्योंकि अबाया में नेक ज़्यादा बड़ा नहीं होता इसलिए मैं इसका साइज़ थोड़ा कम ही ले रही हूँ। तो नेक की जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ली है, आप इसकी लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। और नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। सो बिल्कुल छोटा सा ही नेक बनाऊंगी। अब इसकी हमने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद हम इसका जो प्लेकेट है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और नीचे से बराबर मिलाकर रखते हुए हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से ये एक दूसरे के साथ सिक्योर हो जाएंगे इस तरह से। योक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने बेल्ट रेडी करनी है, तो बेल्ट रेडी करने के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। सो ये 2 पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है इस तरह से, और दोनों पट्टियों की जो लंबाई है वो हम लगभग 60 इंच के अराउंड ले लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपका हैवी साइज़ है तो। अब इन दोनों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है अच्छे से बराबर मिलाते हुए। इसके बाद हमने अपने योक की विड्थ देखनी है नीचे से कितनी चौड़ाई है। सो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच है। अब 9.5 इंच को हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद जितना भी आएगा वो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट में 4.25 इंच आई है इसकी चौड़ाई, तो 4.25 इंच पर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद हम इसमें छोटे छोटे कट या नॉचेस लगा देंगे, और ये नॉचेस हमारे चारों तह में आएंगे, यानी ये 4 फोल्ड है। इसके बाद हम इसमें मार्क भी कर लेंगे चारों लेयर में। अब हमने इसे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इन पट्टियों की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, तो दोनों की सीधी तरफ अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से हमने सिलना स्टार्ट करना है।
यहाँ तक। इसके बाद हमने इस साइड से सिलना है। तो सेंटर से हमने 9.5 इंच छोड़ते हुए इसके दोनों सिरे तीनों साइड से सिल देने हैं। सिलने के बाद इसके जो कॉर्नर हैं वो हम कट कर देंगे। इसके बाद जहाँ तक हमने सिलाई की है यहाँ 1/2 इंच तक हमने इसमें कट लगाने हैं। सो ये 4 कट आएंगे, 2 एक साइड में और 2 एक साइड में। कट लगाने के बाद देखिए जितना पोर्शन हमने ये स्टिच नहीं किया है ये इस तरह से खुला रहेगा। अब हमने इसको किसी भी नोकीली चीज़ के साथ बाहर की तरफ टर्न कर देना है और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी टर्न कर देंगे और इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी जो बेल्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। सेंटर से 9.5 इंच हमने स्टिच नहीं किया है। अब हमने इसमें अच्छे से एक आयरन कर देनी है ताकि जो स्टिचेस हैं वो सेट हो जाए। आयरन करने के बाद अब हमने बेल्ट को योक से कैसे जॉइंट करना है देखिए, सीधी तरफ रखेंगे और यहाँ 1/2 इंच पर हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सिलाई लगाकर इस तरह से सीधा कर देना है। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट के साथ योक सिल चुका है। अब हमने इसका सेंटर वाला पार्ट जॉइंट करना है जिसमें हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये फैब्रिक मैंने आपको दिखाया था, इसकी चौड़ाई 20 इंच है और लंबाई 39 इंच है। इस फैब्रिक को हम बेल्ट के साथ प्लेट्स लगाकर अटैच कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इसमें रफली गैदर्स भी डाल सकते हैं या फिर प्लेट्स भी डाल सकते हैं, बट ध्यान रखें ये जो स्टिच है हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ बिल्कुल सीधी लगानी है इस तरह से। तो लीजिए ये हमारा जो सेंटर का पार्ट था बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये जो इसकी बेल्ट है ये देखिए साइड में है। और अब यहाँ से दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 1 इंच तक कोई प्लेट नहीं डाली है दोनों साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमने अपने फ्रंट के जो साइड के पैनल हैं वो जॉइंट करने हैं। तो पहले बेल्ट को हम इस तरह से सीधा करके रख लेंगे और अब हमने ये फ्रंट वाले दो पैनल लेने हैं, दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ कंधे से बराबर मिलाते हुए हमने नीचे तक इसको सेट कर लेना है और इस पर हम 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलाई कर लेंगे। अब इसी तरह से हम अपना दूसरा पैनल भी जोड़ देंगे, राइट साइड अंदर रहेगी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ और ये दोनों पैनल हमारे इस तरह से जॉइंट हो जाएंगे। अब देखिए दोनों पैनल जॉइंट होने के बाद हमारी जो बेल्ट है वो अंदर की तरफ इस तरह से रहेगी। सो दोनों साइड से ही सेम इसी तरह से रहनी है और ये जो बेल्ट है ये पीछे कमर में इस तरह से टाई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ जो हमने सेंटर का प्लेट्स वाला पार्ट इसके साथ अटैच किया था तो ये 2 इंच अभी एक्स्ट्रा हो गया है। सो इसको कट करके निकाल देंगे, क्योंकि मैंने बेल्ट की लेंथ को माइनस नहीं किया था इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया है। आप पहले ही 2 इंच की बेल्ट जो लगाएंगे उसकी लेंथ को माइनस करके ये प्लेट वाला पार्ट कम ले सकते हैं। तो अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा है ये कट करके निकाल दूँगी और ये इक्वल हो जाएगा। तो फ्रंट पोर्शन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे, इस तरह से बराबर मिलाकर रखेंगे और जो हमारी फ्रंट वाली साइड है उसको मैं ऊपर कर लेती हूँ, क्योंकि हमने कंधी से स्लीव तक एक स्टिच लगानी है। सो यहाँ से बराबर मिलाते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर मैं जहाँ मार्क कर रही हूँ बस हमने वहीं पर स्टिच करनी है दोनों साइड में। सो दोनों हमने शोल्डर स्टिच कर ली है। अब इसका बैक नेक कट कर लेंगे। सो बैक नेक की जो लेंथ है वो भी हमने ज़्यादा नहीं लेनी है, इसकी जो लेंथ है वो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ और चौड़ाई फ्रंट के बराबर रहेगी यानी 3 इंच। बैक नेक आप कटिंग के टाइम भी कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है जिसे हम अपना नेक फिनिश करेंगे। सो इसको डबल फोल्ड करके आप ऊपर से भी लगा सकते हैं और अंदर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल रेडीमेड जैसा बना रही हूँ इसलिए मैं पट्टी को नीचे की तरफ रख के बाहर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। सो इस तरह से हमारा ये नेक फिनिश हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा प्लेकेट है इसमें टिच बटन और कोई भी डिज़ाइनर बटन के साथ हम इसको बंद कर लेंगे। इसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये हमारी स्लीव वाला पोर्शन है जहाँ पर हमने कफ लगाना है। सो कफ लगाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं जिनकी लेंथ और विड्थ बराबर है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है, कफ की लेंथ 5 इंच पर रेडी हो जाएगी। सो यहाँ से ये कुछ इस तरह से आएगा और अभी फ़िलहाल इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो 13 इंच है
जितनी भी फिटिंग आएगी एक्स्ट्रा मैं कट करके निकाल दूंगी। तो दोनों कफ को हमने यहाँ रखकर आधा इंच का दबाव लेकर सिल देना है। सो गाइज, कफ की लेंथ आप कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी, जितनी भी लंबाई आपको कफ की चाहिए। तो दोनों कफ हमने इस तरह से लगा लिए हैं। इसके बाद हमने इसकी साइड की फिटिंग लगानी है। सो अच्छे से बराबर फोल्ड कर लेंगे और यहाँ हमारी कफ की जितनी भी चौड़ाई हमने रखनी है वो मार्क कर लेंगे। तो मैं 5 इंच पर कफ की फिटिंग रखूँगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी 1 इंच छोड़ते हुए और यहाँ से नीचे तक आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा दूँगी। एंड इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा देंगे। और उसके बाद हमने ये लास्ट स्टिच करनी है, यानी इसका बॉटम फोल्ड करना है। तो आधा इंच का दबाव लेकर मैं बॉटम भी फोल्ड कर दूँगी। अब देखते हैं इसको पहनना कैसे है। सो पहनना बिल्कुल सिंपल है, नेक से हम इसको डालेंगे और स्लीव में पहन लेंगे। और जो इसकी बेल्ट है वो हमने अपनी बैक साइड में बांधनी है। तो देखिए, जितनी भी आपको फिटिंग रखनी है वेस्ट की, उसको हिसाब से टाइप करके हम यहाँ बैक में एक नॉट लगा लेंगे यहाँ पर। सो ये हमारी जो वेस्ट की फिटिंग है वो आराम से आ जाएगी। अब आपको लूज़ करना हो, टाइट करना हो, अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हमारा बटरफ्लाई वेस्ट बेल्ट अबाया रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।